लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय सुपेला के स्टाफ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को अस्पताल परिसर में सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया। वहीं धरना प्रदर्शन के पश्चात अपनी मांगों से अस्पताल के उच्च प्रबंधन को अवगत कराया। लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय सुपेला के डॉक्टर्स, नर्स और अन्य स्टाफ द्वारा अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग और विभिन्न भागों में स्टाफ की तैनाती को लेकर अस्पताल परिसर में सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया। गुरुवार सुबह आयोजित धरना प्रदर्शन में काफी संख्या में अस्पताल में पदस्थ विभिन्न विभागों के कर्मचारी शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर जायजा ठहराते हुए तत्काल सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की गई। अस्पताल के कर्मचारियों का कहना है कि सुरक्षा के अभाव में आए दिन उनके साथ मरीजों के परिजनों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, जिससे उन पर खतरा बना हुआ है। स्टाफ की कमी से जूझ रहे अस्पताल में विभागों में स्टाफ की तैनाती की मांग भी उच्च प्रबंधन से की गई। धरना प्रदर्शन की जानकारी अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्वामी देव भूपेंद्र ने दी। यहाँ से स्टाफ द्वारा अस्पताल में कर्मचारियों अधिकारियों की कमी के देखते हुए, साथ में यहाँ पे सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, इसके लिए साथ में कुछ मीडिया हाउस द्वारा एक तरफा रिपोर्टिंग की गई है घटनाओं की, उसके संबंध में विरोध प्रदर्शन किया गया था। उन लोगों का यही कहना था कि जो मीडिया हाउस जो है लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, तो दोनों पक्षों को सुन के कोई भी मीडिया को खबर को चलाए ताकि मरीजों को एक सही खबर मिल सके। इस संबंध में चौकी के लिए थाना प्रभारी से चर्चा हो गई है, वहाँ से भी लेटर जो है एसपी कार्यालय गया है, तो चौकी जल्द खुल जाएगा। स्टाफ की कमी के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, वो शासन स्तर के हैं। धरना प्रदर्शन में अस्पताल के सभी विभागों के कर्मचारी शामिल हुए और अपनी मांगों के शीघ्र निराकरण को लेकर अस्पताल के उच्च प्रबंधन से मांग की। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट।